हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब और आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है एमटीएस एग्जाम की? आपको पता है भाई, 30 सितंबर से पूरा 14 नवंबर तक आप लोगों के एग्जाम चलने वाले हैं। 30 सितंबर से 14 नवंबर तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं पूरा। तो जिन भी बच्चों का अभी भी आप लोगों ने एडमिट कार्ड नहीं निकाला है, फटाफट से निकाल लीजिए। 30 के लिए 26 तारीख से आपके निकलने लग गए थे एडमिट कार्ड। प्रॉपर एडमिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस तो पहले आ गया था, जो पूरा आपका प्रॉपर एडमिट कार्ड होता है जिसमें सेंटर नेम वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, वो अब आप लोगों के डाउनलोड होने लग गए हैं। आज आपकी 28 तारीख है, ठीक है। तो सभी बच्चों को एक बार ऑल द बेस्ट जिनका भी 30 तारीख के लिए एग्जाम है सभी को। उससे पहले एक न्यूज़पेपर में आपका एक आर्टिकल निकला था, जो आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि किसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है पूरा। तो देखिए, वो एक आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं कि क्या उसमें बताया गया है, ठीक है। एमटीएस एग्जाम से पहले जो आपके सॉल्वर पकड़े गए हैं, क्या क्या चीज़ें उनके बारे में बताई गई हैं, कितने सॉल्वर पकड़े गए हैं, उनका अब आगे क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो साइड में मैं वो पूरा नोटिस भी लगा रही हूँ एक न्यूज़पेपर का। तो यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी ने परीक्षा से पूर्व चिन्हित किए 400 सॉल्वर। यानी कि एसएससी ने क्या कर लिया है, अब एग्जाम जैसे कि आपने देखा होगा कि सीएचएसएल का भी एग्जाम में ऐसा हुआ था कि 56 आई थिंक कुछ ऐसे पकड़े गए थे बच्चे। तो इसमें क्या हुआ है, आपकी 400 सॉल्वर पकड़े गए हैं। कितने पकड़े गए हैं, 400 सॉल्वर, और ये एग्जाम होने से पहले ही, ठीक है, एग्जाम होने से पहले ही एसएससी ने कर लिया है एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है आपकी, इसके थ्रू। देखिए लिखा है, चिन्हित सॉल्वरों ने किए थे 1300 आवेदन, फोटो मैचिंग से हुआ खुलासा। यानी कि एक कैंडिडेट ने एक से ज्यादा आपके एप्लीकेशन करे हैं। आपको पता है एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन आपका कर सकता है, एक ही आवेदन कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा इन लोगों ने कितने करे हैं, 13। देखिए पूरा हम लोग नोटिस यहाँ पर समझने वाले हैं, तो आपको पता लगेगा। यहाँ पर देखिए, प्रयागराज का आपका कर्मचारी चयन आयोग ने 30 सितंबर से वही जो आपकी एमटीएस शुरू हो रही है, 400 सॉल्वर चिन्हित करे हैं। इन सॉल्वरों ने आयोग के अलग अलग जोन से क्या करा है, इन सॉल्वर्स ने जो आपके जोन्स होते हैं, जैसे प्रयागराज जोन हो गया, सबसे ज्यादा प्रयागराज जोन का इसमें मतलब ये बताया गया है, अलग अलग जोन से 1300 आवेदन करे हैं, ठीक है, जिसमें से 598 आवेदन प्रयागराज जोन के हैं। मतलब 598 जो आवेदन है वो आपके किससे हैं, प्रयागराज जोन जो आपका है, ठीक है, उसमें से आपके किए गए हैं 598 आवेदन, ठीक है। पूरा नोटिस समझते हैं, एआई की मदद से पहली बार चिन्हित किया गया, इन सभी के आवेदन रद्द कर दिए। तो जो भी कैंडिडेट एक से ज्यादा जिसने आवेदन करे हैं और सबसे ज्यादा आपके प्रयागराज जोन में हुए हैं, इन सभी को क्या कर दिया गया है, इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है और इनको डिबार कर दिया गया है, जिन्होंने भी एक से ज्यादा एप्लीकेशन करी है, ठीक है। लिखा भी है इन्होंने कि इन सभी के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, डिबार भी कर दिया गया है। एमटीएस और सीबीआईएन और सीबीएन जो आपका है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, हवलदार के जो आपको पता है 9583 टोटल आपके कितने पद निकले थे, 9583 टोटल आपके जो पोस्ट हैं टोटल एमटीएस प्लस हवलदार अभी तक की, ठीक है। और इसमें से आपको पता है 57 लाख आपकी एप्लीकेशन आई थी, बड़ी संख्या में आवेदन आए थे। इस बार एआई का प्रयोग किया गया है, एआई का पहली बार इसमें एसएससी में प्रयोग किया गया है, सब जांचने के लिए, सब जितने भी आपके आवेदन हुआ है सबकी वो करने के लिए, ठीक है। फिर आपका एआई की मदद से देखा गया है कि कितने अभ्यर्थियों ने एक से ज्यादा आवेदन करे हैं। तो एक से ज्यादा आवेदन करने वाले हमारे पास कितने हैं, 400 सॉल्वर पकड़े गए हैं, ठीक है। इसमें यूपी और बिहार, सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के, जैसे एसएससी जो आपका मध्य क्षेत्र कहलाता है, ये यूपी और बिहार का यानी कि सेंट्रल रीजन आपका हो गया, कि 3 अभ्यर्थी मिले हैं। इनके क्या हैं, 3 आपके कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा आपके क्या करे हैं, आवेदन करे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन उन्होंने करी हैं। वो 3 आपके पकड़े गए हैं सेंट्रल रीजन के, यूपी बिहार के। इनको क्या करा जाएगा, अब आगे क्या कहा गया है इनके बारे में, कि इनका आवेदन रद्द कर दिया गया है और वन बाय एन टेक्निक से देखा है कि चेहरा कितने चेहरों से मिलता है, मतलब सेम चेहरा वही आपकी एप्लीकेशन में दिखाया गया। इसमें कई आवेदन में एक ही फोटो मिला है, एक फोटो पर 18, 14, 12, 11 और 9 आवेदन किए गए, मतलब एक ही फोटो से उन्होंने कितने आवेदन कर दिए हैं भाई, अलग अलग जोन से कितने कर दिए, किसी ने 18 आवेदन कर दिए। तो कैसे पहचान हुई है, फोटो मैचिंग से, फोटो उन्होंने मैच करी है कि भाई इनके फोटो सेम हो रहे हैं, फिर पता लगा कि अरे इनका इस जोन में भी सेम है और इन्होंने एक से ज्यादा एप्लीकेशन कर रखे हैं, आवेदन कर रखे हैं अपने, तो 18 मतलब एक कैंडिडेट ने 18 एप्लीकेशन में सेम फोटो लगा रखी है। तो इस तरीके से
फोटो मैचिंग के थ्रू, एआई के थ्रू इनको पकड़ा गया है, इन सॉल्वर्स को, ठीक है। कुछ फोटो ऐसे भी थे जो पहले सॉल्वर के रूप में पकड़े भी जा चुके हैं, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पहले भी हर एग्जाम में बैठते होंगे या किसी और एग्जाम में पकड़े गए होंगे, ऐसे भी यहाँ पर सॉल्वर पकड़े गए हैं, मतलब जो पहले भी नकलची थे और इसमें फिर से एमटीएस में बैठने के लिए आ रहे थे। इन सॉल्वरों ने एसएससी के अलग अलग जोन में आवेदन करे हैं, ठीक है। पहली बार ऐसा मामला पकड़े जाने पर ऑफिसर सक्रिय हुए हैं, ठीक है। 30 से 14 तक आपका चल रहा है, 26 से आपको पता है एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड हो रहे हैं। तो वही लिखा है कि देश भर के 400 सॉल्वर चिन्हित किए गए हैं, इसमें से 261 सॉल्वर ने प्रयागराज जोन में 598 आवेदन करे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रयागराज जोन में आवेदन हुए हैं 598, और ये कितने हैं आपके 261 सॉल्वर। 261 जो सॉल्वर्स हैं उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट मतलब एप्लीकेशन करे हैं, और सबसे ज्यादा किसमें आए हैं प्रयागराज जोन में 598, ठीक है। इन सभी के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं और ये लोग प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो पता नहीं क्यों, अब देखिए जो जो ये जो जो भी कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले तो इनका वही कर दिया गया है, कैंडिडेटचर कैंसिल कर दिया गया है, इनको डिबार कर दिया गया है, कोई एग्जाम में अब ये लोग नहीं बैठ पाएंगे। और अगर ये ट्राई करेंगे डाउनलोड करने का एडमिट कार्ड, ऑब्वियसली डाउनलोड नहीं कर पाएंगे एडमिट कार्ड अपना। तो भाई अपनी मेहनत से करिए, जो भी ये लोग हैं जो चीटिंग करवा रहे हैं एग्जाम्स में, सीएचएसएल में भी अभी हम लोगों ने देखा था, काफ़ी बच्चे कहते हैं रिजल्ट रुक जाएगा क्या, ऐसी न्यूज़ आपकी आई थी, आप लोगों ने देखा था। तो देखिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, जो भी अभी भी ये सॉल्वर्स जो होते हैं, प्लीज़ आप लोग भैया और बच्चों का भविष्य मत खराब करिए जो मेहनत से पहुंच रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार एआई के थ्रू एग्जाम से पहले ही आपके 400 सॉल्वर पकड़ लिए गए हैं, जिससे वहां पर यहाँ एग्जाम में ये लोग बैठ नहीं पाएंगे, और वहां एग्जाम में जैसे कि आपका एग्जाम दे दिया फिर बाद में उनका वो हो रही है सारी चीज़ें, कट ऑफ भी निकल गई उसके बाद पकड़े जा रहे हैं, तो उससे जो एक जेन्युइन कैंडिडेट है उसकी सीट भी जा सकती थी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 400 सॉल्वर आपके पकड़े जा चुके हैं एग्जाम से पहले, तो इन सबका कोई भविष्य नहीं है, सभी को डिवार कर दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी भाई अपनी मेहनत से सीट पाइए, या इन सॉल्वर्स के थ्रू या पैसे देकर इस तरीके से आप लोग मत करिए, जिससे कि और बच्चों जो एक जेन्युइन कैंडिडेट है जिसने अच्छी से मेहनत कर रखी है उसकी सीट का हक भी ये सॉल्वर ना लेके जाएं। लेकर तो उन्हें नहीं जा सकते, लेकिन इस बार एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएंगे ये लोग, ठीक है। तो 400 सॉल्वर पकड़े गए, सबसे ज्यादा आपका सेंट्रल रीजन में, जैसे कि ये प्रयागराज जोन जो आपका है इसमें आपके आवेदन हुए, आप लोगों ने देखा होगा 598, ठीक है। तो ये आपकी अपडेट थी, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि भाई एसएससी ने पहले से आपकी क्या कर रखा है, एकदम वो स्ट्रिक्ट हो गई है इस मामले में लेकर एसएससी, और एआई के थ्रू उन्होंने हमारे 400 जो सॉल्वर थे वो पकड़ लिए हैं एमटीएस एग्जाम के। तो गुड न्यूज़ है भाई ये तो, ठीक है। बाकी जिनका भी 30 तारीख से एग्जाम है, 30 से 14, भाई सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करके अपनी सीट पाइए, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, काफ़ी बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कोई क्वेरी पूछनी है, कॉल पर बात करनी है, या कोई पर्सनली डाउट पूछना है, उसके लिए भी ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये स्कैनर है, आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, पेड कंसल्टेंसी आपकी रहती है अगर आपको कॉल पर बात करनी है तो, ठीक है। बाकी वीडियो के थ्रू तो मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने का, फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन पेड कंसल्टेंसी फिर आपकी रहेगी, ठीक है। बाकी मैं अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई वर्क रहता है, ITR, PF, GST, लोन, MSME, फूड लाइसेंस, कोई भी आपके अकाउंट से रिलेटेड वर्क रहते हैं आपके आपके फैमिली रिलेटिव्स के, तो आप लोग करवा सकते हैं, उसके लिए भी यही कॉन्टैक्ट नंबर है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। सभी बच्चों को फिर से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।